अस्सलाम वालेकुम। एक और नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की एक अच्छी न्यूज़ से, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम की वो कोशिशें हैं वो तकरीबन रंग लाने पे उलझी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में दो बहुत बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर, जिसके ऊपर आवाम शोर डाल डाल के, मीडिया जर्नलिस्ट शोर डाल डाल के पीसीबी के कान फाड़ रहे हैं। और अब पीसीबी मजबूर हो गया है कि इन दो खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में लाए, वरना वर्ल्ड कप जो है वो हाथ से जाए, क्योंकि इन दो खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम बिल्कुल अधूरी है। और मेरे ख्याल से इन दोनों की क्रिकेट अभी भी बाकी है, और अगर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ ये दो कौन से खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। और आज जरा पाकिस्तान स्क्वाड के जो अजीब गरीब से वाक्य हो रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हो कि कल के मैच में हैदर अली को भी हॉस्पिटलाइज कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहे अपने खिलाड़ियों के साथ, जरा डिटेल में बात करते हैं। मगर अभी तक आपने इतना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मजीद भी हमारी वीडियो देखने को मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस की। तो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी कोशिशें जो है वो रंग आई है, और अब बहुत ज्यादा हद तक कंफर्म हो गया कि भाई शुएब मलिक और शर्जील खान की टीम में वापसी होने जा रही है। जी हां, ये बात लिख के रख लीजिए, शुएब मलिक और शर्जील खान की टीम में वापसी होने जा रही है, क्योंकि एज अ मिडल ऑर्डर जो है ये दोनों आएंगे। हालांकि ओपनर्स में इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन शर्जील खान को लाया जा सकता है वन डाउन की जगह पे, यानी कि हैदर अली की जगह पे। शर्जील खान आएंगे हैदर अली की जगह पे, जो कि कमबैक करेंगे पाकिस्तान टीम में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर जो है वो जनवरी में, उनको जनवरी फरवरी में एक दिया गया था जब पाकिस्तान की सीरीज थी, होम सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, आई थिंक तब उनको मौका मिला था, लेकिन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी एक सीरीज थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान को यह चीज समझ लेनी चाहिए कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो कि लगातार मेहनत कर रहा है, सेंचुरी पे सेंचुरी ठोक रहा है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली उसने नेशनल टी20 कप में एक सेंचुरी ठोकी है, उसने कश्मीर प्रीमियर लीग में एक सेंचुरी ठोकी है, ये मेरे ख्याल से उसके साल की एक बार फिर से कोई दूसरी तीसरी सेंचुरी है, और ये टी20 इंटरनेशनल करियर में अपने को 6 से 7 सेंचुरी बना चुका है। उसको अपने टीम में बाहर रखा हुआ है और आप मौका किसके देते हो, हैदर अली को, खुशदिल शाह को। यार कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे बहुत बेटर डिजर्व करता है पाकिस्तान, और मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले वक्त में आपको पाकिस्तान से और भी ज्यादा अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि शुएब मलिक को किसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, खुशदिल शाह की रिप्लेसमेंट है। नंबर 5 की पोजीशन पर शुएब मलिक से बेहतर पाकिस्तान को कोई खिलाड़ी नहीं संभाल सकता इस वर्ल्ड कप तक के लिए। देखिए, बाद में आपको लड़का चाहिए होगा, आप चाहे खुशदिल शाह के ऊपर काम करें, उनको नेट्स में लाएं, उनको प्रैक्टिस करवाएं, उनको मैनेजमेंट के साथ रखें, उसको टीम के साथ रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने खिलाड़ी को एकदम डंप करके रख दो, क्योंकि इसमें कसूर आपका है सबसे बड़ा। आपने पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ियों को जो मौका दिया है जो सिर्फ एक एक पीएसएल सीजन खेल के पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, और जो यहां पर 5-5 सीजन 6-6 सीजन से रगड़े खा रहे हैं, जैसे शर्जील खान जैसे प्लेयर्स है डोमेस्टिक खेल खेल के उसमें रन स्कोर कर रहे हैं, उनको आप मौका नहीं दे रहे हो, जबकि यहां पर आपको मौका मिला है तो किसको, खुशदिल शाह जिसने एक आधी अच्छी इनिंग खेल दी आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया, आसिफ अली ने आसानी के खिलाफ 3 छक्के मारे उसको आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया, हैदर अली ने पिशावर जलमी की तरफ से 150 स्कोर की छक्के मारे आपने उसको टीम में डाल दिया, मोहम्मद हारिस को आपने टीम में डाल दिया, वो उन्होंने भी कोई खास अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं की थी पिशावर जलमी की तरफ से। लेकिन अब ये चीज काफी हद तक कंफर्म हो गई, पाकिस्तान का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कि भाई ऐसे खिलाड़ियों को टीम में डालो जो छक्के मार सकते हो, मेरे ख्याल से इसको बदलना पड़ेगा। और छक्के मारने हैं तो यार शर्जील खान से बेटर कौन होगा आपके पास, मुझे लग रहा है कि शर्जील खान आप में सबसे ऐसे ज्यादा बड़े खिलाड़ी है जो कि छक्के मारने के लिए मशहूर है। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश के नाखून लेने चाहिए और शर्जील खान को मना बनू के अलग पाँव भी पड़ना पड़ेगा, भाई तेरे से माफी मांग तो बस पाकिस्तान टीम में वापस आ जा। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस टाइम पर बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर पाकिस्तान टीम की एक और बड़ी प्रॉब्लम जो कि है फिटनेस की, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई नसीम शाह की तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई तो हमने उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया, बाद में पता चला कि भाई उनको निमोनिया हुआ है, उनको कोरोना वायरस हुआ है, और ये इस तरह की चीज़ें यार आप मैनेजमेंट संभाल रही है पता नहीं क्या कर रही है, खुदा ना खास्ता ये कहीं फैल जाता है, जो कि हो सकता है फैल भी गया, क्योंकि गुज़िश्ता रात 6 T20 के बाद हैदर अली को भी लेके गया हॉस्पिटल, और यहाँ पर अभी भी यही बात कही जा रही है, अभी तक वो स्टिल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कहती है कि भाई उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। भाई जो बात है क्लियर करो यार, अगर कोरोना वायरस है तो उसको क्लियर करो। आपने यहाँ पर 2 अक्टूबर को अपने लास्ट मैच संडे को खेल के रात ही को रवाना होने, यानी कि सुबह सुबह आपने रवाना होना है न्यूजीलैंड के लिए, वहाँ पर जाके जो है आपने खेलनी है सीरीज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उससे पहले पाकिस्तान की इस तरह की तश्वीशनाक हरकतें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सुधरना चाहिए, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, भाई ये कर क्या रहे हम लोग, हमको थोड़ा सा सुधरना है, बेटर होना है।
हैदर अली और नसीम शाह हो सकते हैं आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना देखने को मिले, लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि न्यूजीलैंड के टूर से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो शायद नसीम शाह को अपने साथ लेके जाने में कामयाब होंगे। और मुझे लगा कि अब शर्जील खान और शुएब मलिक को भी ले जाना पड़ेगा यार, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका बिल्कुल सर पे है, 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि ऑफिशियली तौर पर तो ये मेरे ख्याल से 23 अक्टूबर को शुरू होगा जब सुपर 12 के मैचेस होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश के नाखून लेने चाहिए और अपने प्लेयर्स को जो है वो रेडी रखना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।